हाय गाइस, वेलकम टू दिस ब्लॉग। और हम फिर से मरीन किंगडम के सेकंड एपिसोड में आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग शुभ को फिश दिखा रहे थे। इस रूम की मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। इस रूम में क्या था कि आपको एक पेपर दिया जाएगा, कलर दिया जाएगा, वो आपको फिश बनी होगी उस पेपर पे, और उस पेपर पे आपको कलर फिल करना है फिश के अंदर। वही फिश वो स्क्रीन पे लगा देंगे और वही फिर आपकी चलने लगेगी। तो वही पेपर ये जो फीमेल हैं ये बता रही है, मतलब मुझे समझा रही थी कि ऐसे ऐसे करना है। तो ये अब शुभ को कलर फिल करने के लिए हम लोग दे रहे हैं, बट शुभ को नहीं आता, अभी छोटा है। तो दीपेश ने और मैंने उसमें कलर फिल की। ये जो सब फिश चल रही हैं ये बच्चों ने बनाई हुई हैं, पेपर पे बनी हुई आई हैं, बच्चों ने बनाई हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्टर में लगाई हैं। और ये फिश ऐसे लग रही है जैसे चल रही हैं विद नेम। शुभ की भी फिश आएगी बहुत जल्दी, यहीं से निकलेगी, आप लोगों को दिखाएंगे अभी। तो अभी ये वही प्रोसेस चल रहा है। और त्रिशा छोटी थी तो त्रिशा नहीं कर पा रही थी, उसको मतलब इंटरेस्ट भी नहीं था। तो सोनम और भैया बाहर थे। ये देखो, ये विद नेम आ रहा है, आप लोग पढ़ पा रहे होंगे। तो किसी का नेम सुभान कुछ ऐसे ही नाम आया हुआ है। ऐसे विद नेम के साथ आ रही थी ये फिश, जो फिश चल रही है उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था। तो ऐसे ही शुभ की फिश, ये जो तोप का गोला सा बनाओ ना, इसमें से निकलेगी फिश। ये सब बच्चों ने फिश बनाई है जो घूम रही हैं, पता नहीं बहुत अच्छी टेक्निक लगी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये। देखो एक और बच्चे की निकल के आई, उसका नाम लिखा है। ये आई शुभ की फिश, ये है शुभ की फिश जो हमने बनाई थी। ये बहुत छोटी है, मतलब कैमरे में मैं पूरी तरीके से कैप्चर नहीं हो पाई थी उस टाइम, बट ये थी शिव की फिश। सभी बच्चों के नाम लिखे होते हैं। चली गई, बस थोड़ी देर के लिए ही आई थी। अब हम वहाँ से बाहर निकल चुके हैं, सोनम और तरुण भैया आगे हैं, हम उनके पीछे हैं। और ये जो एरिया था यहाँ पे गिरगिट था। गिरगिट कहते हैं कि वो कलर अपना चेंज कर लेता है, तो वही गिरगिट, कहावत भी है ना, गिरगिट जैसा है, बहुत जल्दी रंग बदल लेता है, तो वो टाइप। अभी आपको थोड़ा क्लोजर से दिखाएंगे कैसा था। दो तीन गिरगिट थे इसके अंदर, देखने से नहीं पता चल रहा है, अभी कैमरे का क्लोजर आएगा तब आप लोग देखना। ये रहे दो गिरगिट हैं, दो ही दिखाई दिए थे हमने। जब देखते देखते इनके कलर भी चेंज हो गए थे, जो ग्रीन ग्रीन है उसके ऊपर पेड़ के ऊपर, वो गिरगिट हैं। जहाँ से मैं शुभ को दिखा रही हूँ देखो, बट शुभ को कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको पूरा इंटरेस्ट उसकी व्लॉगिंग में था, बाद में उसको इंटरेस्ट आया है। गिरगिट में उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, उसको आ रहा था फिश में, फिश देखना है। ये जो सामने आप बड़ा सा एक्वेरियम देख रहे हो, इसमें बहुत सारी फिश हैं, बहुत छोटी भी हैं बड़ी भी हैं। इसके अंदर एक टनल बनी हुई है, उस टनल में जाके आप फिश के मिड में, एक्वेरियम के मिड में जाके आप पिक क्लिक करा सकते हैं। जैसे आप सामने देख रहे हैं वहाँ पे खड़े हैं सब लोग, वो बच्ची खड़ी है ग्रीन टॉप पहन, सॉरी ऑरेंज टॉप पहन के। ये साइड में दोनों साइड से टनल है, एक साइड से जाना है दूसरे साइड से निकलना है। मेरा थोड़ा सा ब्रीथिंग इशू हो जाता है, तो इसलिए मैं टनल वगैरह में नहीं जाती, बहुत कम जाती हूँ, बहुत कम क्या, नहीं जा ही नहीं पाती हूँ, मेरा थोड़ा ब्रीथिंग इशू हो जाता है। तो दीपेश और शुभ अभी आगे आप जाएंगे तो आप देखना, शुभ का बहुत मन है। ये जो लेयर दिखाई दे रही है ये ऊपर तक, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। और शुभ यहाँ पे जाएगा, एक्साइटेड होगा, बाहर निकल के बड़ा एक्साइटमेंट दिखाता है, लेकिन अभी वो बहुत नर्वस हो रहा है कि मैं इसके अंदर जाऊंगा कैसे। बट दीपेश को इस टाइप की जो राइड है, इस टाइप का जो, मतलब क्या बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें करने में दीपेश को बड़ा मज़ा आता है, मुझे थोड़ा सा, मैं पैनिक हो जाती हूँ। यहीं दीपेश डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कि शुभ कंफर्टेबल होगा कि नहीं। अब दीपेश चल दिए, ये निकलने वाली जगह है जिस साइड से जाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत अंधेरा था टनल में, पूरी में अंधेरा है, तभी शुभ डर रहा है, वो जाने जा ही नहीं रहा है, अंधेरा जो है वो ले आया बाहर, टॉर्च, मोबाइल की टॉर्च जला के लोग बाहर आ रहे थे।
और इसका जो ये निकलने वाला रास्ता है जाने वाला दूसरी साइड से है। फिर भी दिवेश उसे कोशिश कर रहे कि चल बेटा चल बेटा चल, बेटा नहीं चल रहा था, अब दूसरी साइड से वो चला जाएगा। 1 2 3 गो। अरे भाई जाओ, कितना टाइम लोगे? शुभ जिद कर रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। वो अंधेरा था इसलिए थोड़ा सा वो डर रहा था, और मुझे भी थोड़ी घबराहट हो रही थी कि ये लोग ना ही जाएं तो अच्छा है, बट दीपेश का बहुत मन करता है ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करने के लिए। और ये दोनों चले गए, फोन की लाइट मैंने जला दी थी। और ये देखो ये देखो, ये चले गए दोनों लोग। यहाँ से भी बच्चे निकल रहे थे, छोटे हैं तो कहीं से भी निकल सकते हैं। अब आप देखना कि सामने शुभ खड़ा हुआ देखिएगा, शुभ और दीपेश वो जा रहे दोनों टनल के अंदर। हाय शुभ, मैं इधर से हाय कर रही हूँ बट शुभ को नहीं समझ आ रहा, वो डरा कि फिश मेरे पास आ जाएंगी। दोनों अंदर ही मस्ती करने लग गए। ये अब चला है शुभ धीरे धीरे, अब उसको अच्छा लगा, अब उसने चलना स्टार्ट किया है। गया, अब सामने आप लोगों को खड़े हुए दिखेगा। यहाँ पे जहाँ वो ऑरेंज टॉप वाली लड़की खड़ी थी, यहाँ शुभ और दीपेश खड़े होंगे। अब मैं वेट कर रही थी, मैं पहले ही पहुंच गई कि इस टनल से वो लोग आने वाले, तो मैं टनल के बाहर जाके खड़ी हो जाऊं, बट वो बीच में खड़े हुए थे, मेरा वेट कर रहे थे कि मैं आऊं और उनको कैप्चर करूं, बट मैं वहां पहले ही जाके खड़ी हो गई कि अब इधर से जाएंगे इधर से निकलेंगे, और वो लोग सामने खड़े थे। ये देखो शुभ और दीपेश आ गए हैं मिड में, पिक क्लिक करा रहे हैं अभी। ये देखो मैं थोड़ा जूम कर दिया है, थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ। एक्चुअली ये देखिए आप, जूम कर दिया बीच में, और शुभ को मैं नहीं दिखाई दे रही थी तो इसलिए थोड़ा वरिड हो गया था, बट बाद में जब मैंने कहा हाय शुभ हाय, तब उसने हंसा थोड़ा सा। वो उसको एक्चुअली दोनों चाहिए होते, मम्मा डैडा दोनों, इसलिए वो एकदम टेंशन में आ जाता कि मम्मा कहाँ गई, मम्मा साथ में तो डैडा कहाँ गए। और जब दोनों साथ में होते हैं तो कंटिन्यू फुल ऑन मस्ती चलती है शुभ की। एक्चुअली मुझे इसमें वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था, इसलिए वहाँ की वॉइस नहीं ले सकते थे, इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और अब आप देखना कि शुभ और दीपेश इस टनल से जिससे वो पहले जा रहे थे, अब उसी टनल से वो वापस आएंगे। मैं यहाँ पे आवाज़ लगा रही शुभी शुभी, अब यहाँ से दिखेंगे। देखो 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 वो रहा, शुभ आ रहा है धीरे 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 धीरे, कैसे कैसे चल के आ गए दोनों। ये आ गया छोटा सा शुभी, सब अपने बच्चों को ऐसे ही प्यार से बोलते हैं, तो शुभ को देख के मेरा भी मन तुतलाने का करता है। देखो कितना क्यूट लग रहा है शुभ, कितना हैप्पी हो गया। ये वो गाना गा रहा है, बड़ा मजा आया बड़ा मजा आया बड़ा मजा आया। और त्रिशा छोटी थी तो इसलिए भैया नहीं जा सकते थे क्योंकि वहां अपनी गोद में लेके और चलना थोड़ा टिपिकल था, तो इसलिए सोनम और भैया जो हैं बाहर से ही देख रहे थे। फिर हम बढ़ चले एक और एक्वेरियम की साइड। फिर से दीपेश और भैया डिस्कस कर रहे थे, मैं और सोनम पीछे पीछे चल रहे थे। फिर से दीपेश एक और टनल में जा रहे हैं, बट ये टनल ज़्यादा रिस्की नहीं थी, बट शुभ को नहीं अच्छी लग रही थी। ये देखो किस तरीके से दीपेश जो है शुभ को सेव करते हुए चल रहे हैं। आ पहुंच गए, इसमें भी फिश थी, बहुत अच्छी अच्छी फिश थी इस वाले एक्वेरियम में भी, देखो बड़ी बड़ी फिश थी। ये वाला एक्वेरियम में बिल्कुल बीच में आ गए थे, छोटा था तो दीपेश पूरे नहीं खड़े हो पा रहे थे, बट शुभ बहुत अनकंफर्टेबल था इस वाले एक्वेरियम में। ये देखो वो त्रिशा को देख के हाय कर रहा है, हाय। ये
ये दोनों त्रिशा को बुला रहे हैं, बट वो छोटी बच्ची है, वो बाहर आवाज नहीं आ रही थी इन लोगों की बाहर। और ये देख, त्रिशा अपने पापा की गोद में है। शुभ अभी नीचे से निकलेगा टनल से। यहाँ सोनम और भैया डिस्कस कर रहे थे। ये निकले दोनों बाहर। शुभ हैप्पी हो गया। बस शुक्र है शुभ का डांस नहीं निकला अभी तक। चलिए फिर मिलते हैं इसके थर्ड एपिसोड में। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? जल्दी कर, मिलता तो अच्छी अच्छी आई।